Rockfever.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। इस साल कोरोना महामारी के बीच नवरात्रि मनाई जा रही है, इसीलिए पूजा पंडालों में इसकी छाप साफ दिखाई पड़ रही है। कहीं कोरोना की गंभीरता बताने के लिए प्रतिमा बनाने में मेडिकल वेस्ट का इस्तेमाल किया गया है, तो कहीं मां दुर्गा को डॉक्टर के रूप में दिखाया गया है। कोलकाता के एक पूजा पंडाल में मां दुर्गा को प्रवासी मजदूर माँ का रूप दिया गया है। वहीं एक पूजा पंडाल में कोरोना महामारी के वक्त घटी तमाम घटनाओं को मूर्त रूप दिया गया है। पूजा पंडाल की इन तस्वीरों को देखकर आप कह उठेंगे, वाह क्या कलाकारी है। कोलकाता के केशुपुर प्रफुल्ल कानन पंडाल में देवी माँ की प्रतिमा के साथ प्रवासी मजदूरों की दशा बताती कई मूर्तियां लगाई गई हैं। इसमें कई मूर्तियां ऐसी हैं कि अभी बोल पड़ेंगी। सूटकेस में अपने बच्चे को बिठाकर नंगे पांव सड़क नापती मां की तस्वीर खूब वायरल हुई थी। पूजा पंडाल में इस तस्वीर को मूर्त रूप दिया गया है। मूर्ति काफी सजीव जान पड़ती है। पंजाब में किसी स्थान पर थक कर रेल की पटरियों पर सो गए प्रवासी मजदूरों की कटकर मौत हो गई थी। पूजा पंडाल में रेल की पटरियों पर सोते मजदूर दिखाए गए हैं। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने प्रवासी मजदूरों की काफी मदद की। सभी राज्यों के मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाया, उन्हें खाना पानी और चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाया। सोनू सूद पंडालों की खास रौनक बने हुए हैं। बिहार के दरभंगा की रहने वाली 15 साल की ज्योति कुमारी ने साइकिल में अपने पिता को बिठाकर गुरुग्राम से दिल्ली तक 1200 किलोमीटर का सफर तय किया था। ज्योति के सफर को भी पंडाल में खास जगह दी गई है। असम के मूर्तिकार संजीव बसाक ने मूर्ति बनाने में अनोखी कला का इस्तेमाल किया है। कोरोना महामारी की गंभीरता बताने के लिए संजीव ने सीरिंज टैबलेट और मेडिकल वेस्ट की सहायता से मूर्तियां बनाई हैं। एक पूजा पंडाल में मां दुर्गा को डॉक्टर का रूप दिया गया है। डॉक्टर के रूप में मां दुर्गा कोरोना रूपी महिषासुर का वध कर रही हैं। इसे मूर्ति में दर्शाया गया है। एक जगह भगवान गणेश को पुलिस का रूप दिया गया है, वहीं मां सरस्वती नर्स का रूप धारण किए हुए है। कार्तिकेय फ्रंटलाइन योद्धा के रूप में दिखाए गए हैं। वहीं मां लक्ष्मी को राहत सामग्री बांटती समाज सेविका का रूप दिया गया है। एक पूजा पंडाल में सिर पर सूटकेस और पोटली उठाए मीलों का सफर करते प्रवासी मजदूरों को दिखाया गया है। ये मजदूर पसीने से तर हैं। मूर्तियां काफी सजीव जान पड़ती है। ये स्टोरी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए प्रभात खबर का YouTube चैनल। धन्यवाद। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।